नमस्कार दोस्तों, मैं जहांगीर आलम आप सभी का स्वागत करता हूं कोलफीर मिरर न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, पत्रकार हित में कार्यरत इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन जो पूरे देश भर में पत्रकारों के लिए काम करती है और इसके साथ ही सामाजिक क्षेत्र में जो लोग बढ़िया काम करते हैं, अच्छा प्रदर्शन रहता है, उन्हें संस्था द्वारा स्वागत किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। इसी क्रम में आज धनबाद DRM, ADRM और सीनियर DCM का इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन ने उनके कार्यालय में जाकर उनको सम्मानित किया। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इतनी प्रॉम्प्ट है कि इस तरह कुछ अगर अनयूजुअल होता है तो सबसे पहले मीडिया के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए। रिसर्च करते हैं और उसके साथ जो खराब चीज़ें हैं उनको भी हाईलाइट करते हैं ताकि उसको सुधारा जा सके। और पूरे इंडिया में जो मीडिया के वजह से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और लोगों में बहुत जागरूकता आई है कि अगर कुछ इस तरह का काम होगा या गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में तो उसको मीडिया जो है आने की काफ़ी संभावना है। सब चांसेस रहते हैं तो सब लोग काफ़ी जागरूक हैं और जो भी एक्शन लेते हैं सोच समझ कर एक्शन लेते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी पूरी देश में फैली हुई है। आज से 10-15 साल पहले अगर छोटी भी कोई घटनाएं होती थी वो कहीं न्यूज़ में नहीं आती थी, लेकिन आजकल छोटी छोटी घटनाएं भी जो हैं और उससे जो भी है हर चीज़ में इस तरह की जो भी गलत काम होते थे उसमें काफ़ी मीडिया के सजगता की वजह से बहुत गिरावट आई। और आज के समय मीडिया इतनी प्रॉम्प्ट है कि इस तरह कुछ अगर अनयूजुअल होता है तो सबसे पहले मीडिया के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है देश के लिए और हर क्षेत्र के लिए। जो रिपोर्टर्स अपने क्षेत्र में कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो मिला जुलाकर इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन का जो कार्य है वो काफी सराहनीय है। नहीं उतना नहीं बन सकते हम लोग अच्छे जितने काम के प्रति अपने रहेंगे धन्यवाद, लेकिन आपसी सामंजस्य से काम होना चाहिए, चाहे वो मीडिया लाइन से हो चाहे अधिकारी वर्गों के द्वारा हो। एक अच्छा काम हो रहा है और होना ही चाहिए, आपका ये प्रयास और पहल अच्छा है। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल इधर देखो, नीरज उसको लेकर धनबाद से भी बहुत रश रहती है ट्रेनों में, क्या कुछ इस श्रावणी मेला पर पे जो स्टेशन पे हमारे जितने भी रेल कर्मी हैं उनको हमने दिशा निर्देश दिया है कि इस तरह के जो भी पैसेंजर आते हैं उनको केयर किया जाए। वैसे इस मंडल पे कोई स्पेशल ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ट्रेनें हैं उसमें वो आसानी से जा सकते हैं और उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और इस दिशा में हम लोगों ने ऑलरेडी दिशा निर्देश दिया हुआ है कि हमारे रेल कर्मी जो हैं इस तरह के जो भी जो दिन आते हैं तो उनकी देख रेख करें, उनकी सहायता करें और उनको गंतव्य तक पहुंचाने में उनकी मदद करें। सुरक्षा का भी एक पैमाना होता है। आरपीएफ भी हमारी जो है हर स्टेशन पे सजग है और धनबाद और इसके अलावा बाकी स्टेशनों पे भी हर जगह आरपीएफ पोस्टेड है और हमने उनको भी दिशा निर्देश दिया है कि सजग रहें और जितने भी हमारे पैसेंजर्स आते हैं उनको कोई रेलवे स्टेशन में कठिनाई ना हो। दो फेयर भी जल्दी हो जाएंगी। उसके अलावा जो DC पैसेंजर ट्रेन है
उसके लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस सेक्शन पे डीसी ट्रेन चलाई जाए। पहले जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन विद कोचेज आती थी, हम लोग का प्रयत्न है कि ये मेमू रेक से चले ताकि उसमें इंदूर डिटेंशन ना हो और ट्रेन जो चंदपुरा जाए और तुरंत वहाँ से वापस आ जाए। मेमू चलाया जाए, मेमू अभी हमें एक दो महीने में मिलने की उम्मीद है। जो मैं हमारे जो CPTM चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर, उनसे भी हमने हेडक्वार्टर में बात किया है, तो मेमू आने के बाद हम लोग उस ट्रेन को इस सेक्शन में चलाने का प्रयत्न करें।